नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत एक दूसरे पर अपने बयानों से आग उगल रहे हैं। ना तो कंगना झुकने को तैयार है और ना ही संजय राउत। अब संजय राउत ने कहा है कि अगर कंगना महाराष्ट्र से माफी मांगेंगी तो वो भी इस बारे में, यानी कंगना से माफी मांगने के बारे में सोचेंगे। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि अगर वो लड़की महाराष्ट्र से माफी मांगेगी तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। संजय राउत ने कहा कि कंगना ने मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहा है, क्या उनमें अहमदाबाद के बारे में ऐसा ही कहने की हिम्मत है? पीछे लेना जी, बिल्कुल। जिस लड़की के बारे में आप वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? अगर कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। आपको बता दें कि कंगना रनौत की ओर से मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से किए जाने के बाद से इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत से लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तक उनके इस बयान का विरोध कर चुके हैं। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर कंगना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं शिवसेना के विधायक प्रताप सरनेक ने कहा था कि कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जाना चाहिए। सरनेक के मुताबिक संजय राउत ने सलाह दी है कि अगर कंगना 9 सितंबर को मुंबई आती हैं, तो शिवसेना की महिला कार्यकर्ताएं उन्हें थप्पड़ जड़ेंगी। शिवसेना विधायक के इस बयान के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं इस बीच अब कंगना रनौत ने इस विवाद में असहिष्णुता का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने उन लोगों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं जो अब इस विवाद पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा कि 2008 में मूवी माफिया ने मुझे पागल कहा था, 2016 में चुड़ैल बता दिया था और अब 2020 में मुझे महाराष्ट्र के एक मंत्री गाली दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि एक मर्डर के बाद मैं मुंबई में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं। अब कहां गायब हो गई है वो असहिष्णुता गैंग। कंगना के इस नए ट्वीट पर बवाल खड़ा हो सकता है। कंगना लंबे समय से बॉलीवुड के एक तबके को निशाने पर लेती हैं। वो लगातार उन लोगों पर सवाल खड़े करती रही हैं जो सिर्फ कुछ ही मुद्दों पर खुलकर बोलना पसंद करते हैं। उन्होंने इससे पहले भी स्वरा भास्कर और अनुराग कश्यप जैसे सेलेब्स पर अहम मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया था। ऐसे में अब जब कंगना के पोस्टर पर चप्पल मारी गई है, जब उन्हें गाली दी गई है, ऐसे में क्या कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।